प्रस्तुत है हिंदी नाटकों के कार्यक्रमों में आकाशवाणी वार्षिक स्पर्धा 1995 में गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त नाटक कुछ ही पलों में। आकाशवाणी बंबई केंद्र प्रस्तुत करता है रेडियो नाटक हारी हुई जीत। मूल आसामी लघु कथा लेखिका हैं निरुपमा बरगोहाई। हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर किया है रंजीत शर्मा ने और प्रस्तुति है तनुजा कानड़े की। सुनिए रेडियो नाटक हारी हुई जीत। विक्रम, ये जीभ आजकल ठीक काम नहीं कर रही है क्या? नहीं तो ठीक ही है। आज लड़के को स्कूल छोड़कर आने में बड़ी देर लगा दी तूने। हाँ, वो तालाब के किनारे जरा गाड़ी धोने बैठ गया था ना। कौन से तालाब के किनारे? पटवारी के घर के करीब वाले तालाब में? जी हाँ। तुम किसी भी तालाब का पानी काम में ला सकते हो, लेकिन ध्यान रहे तालाब के आस पास के लोगों से मेरी दुश्मनी ना हो जाए। क्या हुआ, तुमने जवाब नहीं दिया? मैं समझ गया। मैंने मुसीबत में तुम्हारी मदद की है विक्रम, तुम्हें आश्रय दिया है, याद रखना। समझ गए ना? जी समझ गया। आज खेत पर एक नई औरत को देखा, कौन है वो? मजदूर नहीं है क्या वो? दो दिनों से आ रही है वो। किसके घर की है? वही जो हाल ही में मरा है, पवित्र मास्टर, उसी की घरवाली है। ओ, मास्टर की विधवा है? पति को गुजरे अभी 2 महीने भी नहीं बीते, खेतों में मजदूरी करनी पड़ी। हाँ, घर की हालत बड़ी खराब है। क्यों, मास्टर के और भाई भाई नहीं है क्या? सुना है मास्टर ने घर वालों के खिलाफ ये शादी की थी, इसलिए घर वालों ने भी उसे अपनाया नहीं। और उसके मायके वाले? उस ओर की भी यही कहानी है। कितनी खूबसूरत है ये औरत, उम्र भी अधिक नहीं है, दोबारा शादी भी सहजता से हो सकती है। हाँ, गांव के 2-4 व्यक्ति इस बीच वहाँ प्रस्ताव भी लेकर जा चुके हैं। अकेली रहती है क्या? हाँ, अकेली जैसी ही। मास्टर की बूढ़ी माँ है और एक छोटी सी बच्ची है। उस मास्टर की विधवा का नाम क्या है? सुशीला। ओ, सुशीला, बहुत खूब। अरे विक्रम जी, ला जरा ये गिलास तो भर दे। ला, अरे आप यहाँ, रास्ता छोड़िए मेरा। क्यों, आई क्यों नहीं काम पर? तुझे मेरा प्रस्ताव बुरा लगा क्या? तू अपने ही घर में रहेगी, मैं अपने घर में रहूंगा, सिर्फ तू मेरी होकर रहेगी, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। अरे मैं तुझे चाहता हूँ, तू अभी जवान है, मास्टर मर गया तो मर गया, अब लौट कर तो आ नहीं सकता। तू अपना ये लंबा जीवन अकेले कैसे काटेगी रे? यामिनी को ही अकेले कैसे पालेगी? आखिर आप चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूँ तू मेरी हो जा। यामिनी मेरी बेटी जैसी होगी।
क्या मैं तुम्हारी रखेल बनूंगी? था तेरे की। अरे कैसी बातें कर रही है तू? तू तो मेरी प्रेमिका बनेगी, प्रेमिका। शर्मानी चाहिए मुझसे ऐसी बातें करते हुए, पापी दुष्ट। खैर चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। कैसे चला जाऊं? तू चलना मेरे साथ। छोड़ मेरा हाथ, कमीने, छोड़, राक्षस, छोड़ मुझे। हरामजादी मुझ पे हाथ उठाती है, मैं राक्षस हूँ तो फिर देख ये मेरा असली सारी जमीन की धूल झकसरा, इससे शायद तेरी अकल ठिकाने आए। मेरे साथ चलने से इनकार करने वाले ये तेरे पैर ही मैं मसले डालता हूँ। नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, नहीं करूंगी। कितनी बेरहमी से मारा है उस कसाई ने। छोटी मालकिन, बदन के घाव तो फिर भर जाएंगे, लेकिन उसने मेरी इज्जत पर जो घाव किया है उसका क्या करूं? सुशीला, स्कूल मास्टर की बीवी, जब वो थे तब दुख क्या है इसका पता भी न था। किसी की हिम्मत थी क्या मेरी तरफ देखने की? अब कैसे बचाऊं अपने आप को, कैसे बड़ी करूं बच्ची को, मदद के लिए किसकी तरफ देखूं? सासू माँ के सामने खुले दिल से रो भी नहीं सकती, क्या करूं? चलो सुशीला, पुलिस में जाकर उसकी रिपोर्ट करें। लेकिन छोटी मालकिन, मेरी कौन सुनेगा? मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। तुम हिम्मत दिखाओ तो जेल जाएगा वो राक्षस। सच छोटी मालकिन? क्यों नहीं, हमारी रक्षा के लिए तो पुलिस है, लेकिन उसके लिए तुम्हें थाने में रिपोर्ट करनी होगी। मैं करूंगी। एक विधवा पर, एक बच्ची की माँ पर बुरी नजर रखता है। बस चले चलते हैं थाने पर, उसे सजा दिलवाए बगैर अब चैन नहीं। किसने लिखी है ये रिपोर्ट? मैंने। ये रिपोर्ट लिखना नहीं जानती, कहीं गलती हो गई क्या ओसी साहब? कानूनी ढंग से नहीं लिखा है, रिपोर्ट में लिखा है मारपीट की। ठीक है तुम लोग जाओ, पुलिस ये केस नहीं ले सकती। लेकिन? अरे घर के अंदर घुसकर तो नहीं मारा ना, हाउस ट्रेसपास नहीं किया, अश्लील शब्द वाली बात भी नहीं है। अरे मतलब सिर्फ मारा है। नहीं नहीं, यहाँ नहीं होगा, आप लोगों को अदालत में जाना पड़ेगा, मैं केस रजिस्टर नहीं कर सकता। पुलिस ही अगर केस नहीं ले सकती तो? कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है, अदालत से वारंट ले आइए। और ये डॉक्टर का सर्टिफिकेट है ना, इसे अपने साथ लेती जाइए, शायद अदालत में काम आएगा। अदालत में? हाँ अदालत में, तहसील में जाना पड़ेगा। वहाँ जाने के लिए तो सासू माँ से पूछना पड़ेगा। योगनामा टाइप हो गया? हो गया सर, सुशीला के दस्तखत ले लिए और क्या कहना है समझा दिया है। लेकिन फीस नहीं मिली है अभी, तुम्हारे कहने पर ही काम कर दिया है। अगली तारीख को 300 रुपया ले आने के लिए कह देना, और हाँ जब इनका नंबर आए तो मुझे बुला लेना। अगली तारीख यानी? अरे केस एक दिन में खत्म नहीं होता, और सुन लिया ना, अगली तारीख को 300 रुपये लेती आना। और सुनो, अब तुम यहीं खड़ी रहो, गवाही देनी पड़ेगी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जी जी। अब क्या है? मैं अकेली नहीं रहूँगी, कुछ देर पहले जब आप नहीं थे ना तो 2-3 लोग बुरी निगाहों से देख रहे थे मुझे। अरे 2-4 ऐसे व्यक्ति रहते ही हैं, तुम फिक्र मत करो, हा? मैं अभी आ रहा हूँ।
एक दूसरा काम है। योर ऑनर, इस महिला को मुजरिम ने बुरा प्रस्ताव दिया। विधवा है बेचारी, महिला के आपत्ति करने पर उसे मारा पीटा, अश्लील बातों से उसका अपमान किया। इसका मतलब है सेक्शन 354। ठीक है, शिकायती से पूछिए। योर ऑनर, सेक्शन 330 भी लगेगा इसमें। पूछिए। नाम? हरे कृष्ण बरुआ। अरे नहीं, अपना नाम बताओ। सुशीला। पति का नाम? भाई तुम्हारे घर वाले का नाम? गुजर गए। गुजर गए, जानता हूँ। नाम क्या था उनका? स्वर्गीय। क्या हुआ, रोने क्यों लगी? ठीक है, मैं लिख देता हूँ। अभियोग नामे में लिखा हुआ है ना, स्वर्गीय पवित्र काकती। ठीक है, अब शपथ ग्रहण करवाइए। अब बोलो, जो कहूंगी सच कहूंगी। जो कहूंगी सच कहूंगी। हाँ तो फिर क्या हुआ? मुझसे गंदी बात कही। कौन सी गंदी बात कही? मैं नहीं बता सकती। अश्लील कार्य करने का प्रस्ताव रखा था क्या? देखो, सर हिलाने से कुछ नहीं होगा, बोलो ये बात है या नहीं? है। देखिए मिस्टर बर्मन, आपका मुवक्किल अगर कुछ नहीं बोलता है तो असुविधा होती है, एविडेंस के समय क्या होगा? देखो देवी, यहाँ शर्म करने से काम बनने वाला नहीं है। हरे कृष्णा का अश्लील प्रस्ताव तुमने मान लिया या नहीं माना? देखिए मिस्टर वर्मन, ये आप लीडिंग क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, आज मैंने पूछ लेने दिया, पर एविडेंस के समय विपक्ष वकील आपत्ति करेगा। यस योर ऑनर। हाँ तो भाई, तुमने हरे कृष्णा से क्या कहा? मैंने उसकी बात नहीं मानी। फिर? उसने मुझे मारा। कैसे? मुझे थप्पड़ मारा, मेरे बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया, मुझ पर पैरों से वार किया, मुझे गाली दी। ये डॉक्टर का ही सर्टिफिकेट है ना? जी हाँ। आज तो ये पेश नहीं होगा। रिकॉर्ड में रख लीजिए सर, जरूरत पड़ी तो एविडेंस में पेश करूंगा मैं इसे। इसके बाद? मैं घर आ गई। इसके बाद? मेरे जख्मों की सिकाई की गई। इसके बाद ये बात तुमने किस किस को बताई? सासू माँ को, छोटी मालकिन को और थाने की पुलिस को। थाने गई थी क्या? गई थी। ये सब बातें बताने की जरूरत नहीं है। ठहरिए मिस्टर वर्मन, मुझे पूछने दीजिए। रिपोर्ट लिखकर दी थी? दी थी। थाने ने पूछताछ की थी या नहीं? मैं समझी नहीं। थाने में केस दर्ज हुआ या नहीं? पता नहीं। मिस्टर वर्मन, मेरे बस में अब कुछ नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 210 के अनुसार मुझे थाने से रिपोर्ट मंगवानी है। नहीं सर, ये थाने गई जरूर थी, मगर थाने में ये केस रजिस्टर नहीं हुआ। फिर भी पुलिस ने अगर खोजबीन शुरू कर दी तो मैं शिकायत का मामला नहीं ले सकता। आपका मुवक्किल स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं बता पा रहा है। पेशकार बाबू, थाने को लिखकर पूछिए कि ये केस रजिस्टर हुआ है या नहीं, और इसकी रिपोर्ट 7 दिनों के अंदर भेजने को कहिए। अगर मुंह से अच्छी तरह बोल नहीं सकती तो केस करने की क्या जरूरत थी? जीजा जी, मैं सच कह रही हूँ, मैं थाने गई थी। अदालत में सारी बातें सच सच बताने की जरूरत नहीं है। अब एक काम करो, अदालत का आदेश पत्र लेकर थाने जाओ। कल परसों तक जाओगी तो भी चलेगा। थाने से रिपोर्ट हाथों हाथ लेकर आना। रिपोर्ट में लिखा रहना चाहिए कि थाने में हरे कृष्ण के विरुद्ध केस दर्ज नहीं हुआ है, समझी? फिर थाने जाना पड़ेगा। हाँ, और देखो खाली हाथ मत जाना, 50 रुपए लेती जाना। जीजा जी, आज क्या हुआ? फैसला तो हुआ ही नहीं। आज वो जमानत पर छूट गया है, और इसके बाद वाली तारीख में हमें नियमानुसार गवाही देनी है, लेकिन हम गवाही नहीं दे सकते क्योंकि इस घटना का चश्मदीद गवाह तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। तुम एक काम करो, एक गवाह तैयार करो जो ये कहे कि उसने ये घटना अपनी आंखों से देखी। कहाँ मिलेगा, कौन बोलेगा? देखो भाई, गवाह तो ढूंढना ही होगा। देखिए वर्मा साहब, औरत जात के खिलाफ केस बनाना इतना आसान नहीं है, वो भी जिसे रंगे हाथों पकड़ सके। एक तो गांव की औरत और वो भी अनपढ़, ऐसी औरत के खिलाफ केस बन ही नहीं सकता। वकील साहब, आप सब कुछ कर सकते हैं,
कोई ना कोई उपाय निकालिए ना। बरुआ साहब एक उपाय है। क्या बताइए? इस औरत के खिलाफ एक केस खड़ा किया जा सकता है। कौन सा कौन सा? इंडियन पेनल कोड की धारा 436। अगर सुशीला आपके घर में आग लगा देती, मान लीजिए रात के अंधेरे में चुपचाप, तब सुशीला को जेल हो सकती है 10 वर्ष या आजीवन कारावास। और ऐसे अपराध के लिए पुलिस उसे घर जाकर भी अरेस्ट कर सकती है, अदालत के वारंट का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। विक्रम, कितनी रात हो गई? 12 बजे से ऊपर हो गए। सब सो गए ना? हाँ सो गए। टीन में मिट्टी का तेल कितना है? 2 लीटर के करीब होगा। दिया सलाई है? पूजा घर जला डाल, पाप नहीं लगेगा? पूजा घर में भगवान नहीं है। मुझे जलाना पड़ेगा? तो और कौन जलाएगा? सुशीला को बुलाकर लाऊं क्या? जला। पूजा घर आधा जल जाने के बाद चिल्लाना, पानी फेंकना शुरू कर देना। जब लोग बाग इकट्ठे हो जाए तो कह देना सुशीला ने जलाया है, सुशीला घर जलाकर भाग गई है, शोर मचा देना। क्या बात है, रुक क्यों गया? शुरू कर काम। सुशीला के प्रति कोई दर्द है क्या? तू तो पटवारी की बेटी का दास है ना? नहीं, नहीं। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा, अच्छी तरह से डाल क्रासन। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। अब लगा दे आग, लगा दे विक्रम आग, सर लगा दे। सुशीला का भाग जलकर भस्म हो गया। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? ओ साहूद साहब, अच्छा हुआ आप रास्ते में ही मिल गए। मुंशी बाबू, सारा काम छोड़िए, अब जमीन का मालिक आ चुका है। आज मैं बड़ी मुसीबत में हूँ साहूद साहब। हाँ, मुसीबत किस पर नहीं है? अरे, मेरी साली को झूठे केस में फंसाकर पुलिस पकड़ लाई है, पता नहीं जमानत भी मिल पाएगी या नहीं। है? ऐसा कौन सा केस है जो जमानत ही ना मिले? घर जलाने का आरोप लगाया है। उसने हरे कृष्ण जमींदार के विरुद्ध केस किया था, उसके साथ अश्लील व्यवहार के कारण, और उसी का बदला लिया जमींदार ने। हाँ, उसी का बदला। अब अगर जमानत नहीं मिली तो मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी। आपकी साली यानी वही सुंदरी विधवा तो नहीं? हाँ हाँ, आप तो मिल चुके हैं ना उससे मेरे घर पर? हाँ, उसे कैसे भूल सकता हूँ। बड़ी मुसीबत में है वो साहब। मुसीबत में है? अरे तो हम करेंगे उसकी मदद, कहिए क्या कर सकता हूँ मैं? जमानतदार बनेंगे, आप अगर जमानत दे दें तो बड़ी कृपा होगी। दे दूंगा जमानत, वही आज जो जमीन की दलील लिखेंगे वही दिखा दूंगा। और एक बात थी। हाँ, कहिए। चुपचाप धीरे से कान में कहनी होगी। हाँ कहिए, चुपचाप कान में ही कहिए। हो जाएगा, कितने चाहिए? लीजिए, ये 1,500 इसी वक्त दे रहा हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साहूद साहब। ठीक है मुंशी बाबू, तो मैं चलता हूँ। आप दलील भी तैयार करवाइए और जमानत भी मंजूर करवाइए, और रुपयों की जरूरत हो तो कहिएगा। हाँ, आज आपको ईश्वर ने ही सहायता के लिए भेज दिया है। अरे मेरा नाम ही विष्णु है, ईश्वर का नाम। लेकिन याद रखिएगा, मुझे कौन सा प्रसाद चाहिए? मैं समझा नहीं। तो करीब आइए, कान में बताता हूँ। समझ गया, हो जाएगा, हो जाएगा। आप जमानतदार हैं, आपके जमानत की चीज आपके साथ ही जाएगी। सिर्फ एक रात के लिए, सवेरा होते ही घर भेज दूंगा। समझ गया। ये विष्णु साहूद हैं, तुम्हारे जमानतदार। ये अगर जमानत नहीं लेते तो जेल हो जाती तुम्हें। अब इनके साथ जा। क्यों जाना है, क्या काम है? ऐसा ही नियम है, जो जमानत देता है उसके साथ जाना पड़ता है। अगर ये अपनी जमानत वापस ले लें तो जेल जाओगी तुम। अब बैठ जाओ गाड़ी में।
नई गाड़ी है, पक्षी राज की तरह हवा से बातें करेगी। अब बैठ भी जाओ ना, इतने शर्माने से काम नहीं चलता है। हाँ बैठ बैठो। साउद साहब आइए, ध्यान रखिएगा इसे कोई तकलीफ ना हो। बिल्कुल आराम से रहेगी। अरे रात भर की ही तो बात है, सवेरे ही मैं बस स्टैंड पर पहुंचा दूंगा, घर चली जाएगी। चलता हूँ। अदालत में आई थी ना अपने सम्मान की रक्षा की खातिर। अब देखो देखो, फूल की तरह कोमल तुम्हारे इस बदन की हर पखुड़ी में सम्मान के कितने चुम्बन हैं, कितने निशान हैं। और चाहिए चाहिए सम्मान, बोलो बोलो प्यारी। अरे रो रही हो, रो। रोते समय तो तुम और भी खूबसूरत लगती हो, ठीक उसी तरह जैसे ओस में भीगी हुई गुलाब की पखुड़ियां, जिन्हें एक एक कर तोड़ा जा सकता है, तहस नहस किया जा सकता है, मसल कर बर्बाद किया जा सकता है। ऑर्डर ऑर्डर। स्त्री का सम्मान भंग करने के जुर्म में हरे कृष्ण बरुआ को 2 महीने जेल की सजा दी जाती है। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, हम अपील करेंगे, पहले वाली जमानत पर रहने की अनुमति दी जाए। फौजदारी दंड विधि की धारा 436 के तहत इस मुकदमे की अभियुक्ता सुशीला काकती को मैं सेशन अदालत के हवाले करता हूं, क्योंकि ये मुकदमा सिर्फ सेशन अदालत के द्वारा ही विचारणीय है। अभियुक्ता आगामी माह की 25 तारीख को सेशन अदालत में हाजिर हो। अभियुक्ता पहले वाली जमानत पर ही रहेगी। चलो। आज नहीं जाऊंगी। क्यों? सास की तबीयत ठीक नहीं है। अब 1 महीने बाद ही तो आएगी। हाँ, तारीख ही तब की पड़ी है। और मैं क्या करूं, मैंने जो वकील की फीस भरी सारी शाम तुम्हारे लिए बर्बाद कर दी, मैं क्या तेरा गुलाम हूं? बैठ गाड़ी में। सुशीला, कल शाम को ही पता चला तुम्हारी सास गुजर गई है। माँ ने ही कहा रात भर रखना ही ठीक रहेगा, सुशीला सवेरे ही आ जाएगी। रात कहाँ रह गई थी? मैंने कौन सी भूल की है? कैसी भूल? हरे कृष्ण के विरुद्ध जो आवाज लगाई। छोटी मालकिन, क्या मुझे चुपचाप रहना चाहिए था? मुझे ऐसा लगता है इसके लिए मैं ही दोषी हूँ। रिपोर्ट करने के लिए मैंने ही तो कहा था, पर मैं ही तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ और शायद कर भी ना पाऊँ। अगले सोमवार को मेरी शादी है। अभियुक्ता सुशीला काकती को कटघरे में खड़ा किया जाए। योर ऑनर, गवाही सुनने से पहले सुशीला काकती के जमानतदार का एक अनुरोध है। कहिए। सुशीला काकती का जमानतदार अपनी जमानत वापस लेना चाहता है। क्यों? उन्हें अभियुक्ता के चरित्र पर संदेह है योर ऑनर, वो किसी भी समय भाग सकती है। अभियुक्ता सुशीला, तुम्हारा कोई नया जमानतदार है? नहीं। तो तुम्हें सरकार के खर्च पर एक वकील मिल सकता है। मुझे वकील नहीं चाहिए। तुम्हें जेल की सजा हो सकती है, जानती हो या नहीं? मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। अरे सर, तब तो गवाहों के बयान की कोई जरूरत ही नहीं है, अभियुक्ता ने अपना कसूर स्वीकार कर लिया है। रुकिए रुकिए,
मैं अभियुक्ता की मानसिक हालत समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारे घर में और कौन कौन है? एक छोटी बेटी है। कितने साल की? 6 साल की। तुम्हारे जेल जाने पर कौन करेगा उसकी देखभाल? ईश्वर। ईश्वर कौन? भगवान। ओ, समझ गया। मैं गवाहों का बयान सुन लेता हूँ। पहले गवाह को बुलाइए। विक्रम कलिता, क्या हरे कृष्ण बरुआ का घर जला था? हाँ। कौन सा घर? पूजा का घर। कैसे जला था? रात पूजा घर में दीपक जल रहा था, उसी से लगी है यह आग। क्या क्या कहा? तुम झूठ पर झूठ क्या बोल रहे हो? ऑर्डर ऑर्डर, आप अपने गवाह को ही डरा रहे हैं। योर ऑनर, मैं गवाह विक्रम कलिता को होस्टाइल विटनेस घोषित करता हूं। कोई फायदा नहीं होगा। विक्रम कलिता, तुम्हें कैसे पता चला कि पूजा घर में दीपक से आग लगी? मुझे मालिक ने चीख चीख कर जगाया। मैंने उठकर देखा कि पूजा घर में आग लगी हुई है। मालिक अपनी पत्नी पर बरस रहे थे कि रात दीपक जलाकर छोड़ दिया और पूजा घर जला डाला। पत्नी ने कहा, पाप हुआ है इसलिए भगवान का घर जल गया। कैसा पाप? कौन सा पाप? पता नहीं कौन सा पाप। विरोधी पक्ष भी जुर्म प्रमाणित नहीं कर पाया। पहले और मुख्य गवाह विक्रम कलिता ने पूर्णतः दूसरी बात कही है और अदालत उसकी बात का विश्वास करती है। सुनो, तुमको रिहा किया जाता है। जाओ, अपने घर जाओ। मां, तेरी नौकरी गई। ये रही गाड़ी की चाबी। मर भूखा नमक हराम। चाय पियोगे? नहीं। यहीं खड़े रहोगे? कुछ देर रुकूंगा, थक गया हूं। इस पेड़ की छाया में बैठूंगा कुछ देर। शाम हो गई, घर नहीं जाओगे? मेरा घर नहीं है। क्यों? घर क्यों नहीं है? नहीं बताऊंगा। क्यों? क्यों तुमने मेरी तरफ से गवाही दी? तुम्हारी तरफ से? हरे कृष्ण बरुआ के विरुद्ध तो दी? नहीं दी। फिर? मेरे अंदर एक डर समाया हुआ था। कैसा डर, मैं स्वयं नहीं जानता। वो डर हमेशा मुझे परेशान किए रहता था। आज मैंने उसे खत्म कर दिया है, हमेशा के लिए। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे अंदर भी एक डर था। जब वो गुजर गए तब से इसकी शुरुआत हुई। काम करने के लिए घर से बाहर निकलती तो ऐसा लगता आने जाने वाला हर कोई मुझे आंखों से निकल रहा है। हरे कृष्ण बरुआ ने जब मारा पीटा बेइज्जत किया तो लगा अब तो सब कुछ लुट गया है। आप डर काहे का? लेकिन नहीं, पुलिस स्टेशन पर, तहसील में, अदालत में ये डर साथ साथ ही रहा। जब खुद के जीजा ने मेरी भलाई के लिए मुझे ही बेचा तब तो मैं बिल्कुल बेजान पुतली सी हो गई। लेकिन मेरे साथ वो डर वैसा ही जीवित था। लोग क्या कहेंगे? मेरी बच्ची का क्या होगा? खाने को कैसे मिलेगा? और मुसीबत में तो नहीं पड़ूंगी, जेल जाऊंगी क्या? लेकिन जो होना है वही तो होता है। तो फिर क्यों दूसरों की गुलामी करती रहूं? क्यों हमेशा डर डर कर जीती रहूं? क्यों? अभी आप सुन रहे थे नाटक हारी हुई जीत, निरुपमा बरगोहाई द्वारा लिखी आसामी लघु कथा का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर किया था रंजीत शर्मा ने। पात्रों का भूमिका सहित परिचय इस तरह से है: सुशीला रमा बाबा, हरे कृष्ण बरवा अजय कश्मीरी, विक्रम राधा कृष्ण दत्त, मीना तनुजा कानड़े, गजेन मुंशी प्रकाश मिश्रा, विष्णु साउद मुकेश शर्मा, सुशीला का वकील शिवराज, मजिस्ट्रेट अनिल सक्सेना, ओसी विजय चौधरी,
हवलदार विजय शंकर पांडे, हरे कृष्ण का वकील अमर कक्कड़ और सेशन जज की भूमिका में थे राज जोशी। तकनीकी सहयोग था दीपक नागपुरे का और इस नाटक की प्रस्तुति तनुजा कानड़े की थी। ये आकाशवाणी बंबई केंद्र की भेंट थी। इस नाटक को आकाशवाणी वार्षिक स्पर्धा 1995 में गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला है।